हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग फैक्सिन इशू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका BSA में 21G में इसका डेफिनेशन दे रखा है, और इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA में फैक्सिन इशू की डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों ही डेफिनेशन सेम है। तो इस डेफिनेशन में इतना कुछ है भी नहीं, बहुत छोटा सा है। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ फैक्सिन इशू किसे कहते हैं। फैक्सिन इशू से कहते हैं जो चीज़ डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूट मतलब क्या है, एक पार्टी इसको कह रही है हाँ ऐसा है और दूसरी पार्टी मना कर रही है, मतलब दोनों इस एक कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फैक्ट है जिस पर दोनों पार्टीज अग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ऐसा फैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी फैक्ट पे दोनों पार्टीज, मतलब कोई ऐसी फालतू सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि किसी इंसान ने स्पार्कलिंग वाटर पी लिया था उस दिन उसकी उसका मर्डर हुआ। तो अब स्पार्कलिंग वाटर के ऊपर एक पार्ट डिस्प्यूट है, ठीक है, इस फैक्ट के ऊपर कि स्पार्कलिंग वाटर पिया या नहीं पिया, तो ये तो मतलब सब्सटेंशियल है नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा फैक्ट होना चाहिए जिससे कि राइट और लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कहने का मतलब क्या, मटीरियल होना चाहिए जिससे किसी तरीके का राइट और लाइबिलिटी की बात करी जाती है। तो बेसिकली ये अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाए फैक्ट इन इशू, तो पूरा केस ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पूरा केस ही इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी कंट्राडिक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो क्रिमिनल मैटर्स में से चार्ज शीट कहते हैं और सिविल मैटर्स में से फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको फैक्टम प्रोबेंडम, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये प्रूव हो गया तो हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा है, इसका ऐसा डेफिनेशन में कुछ है नहीं, जो इसका सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड नहीं था, बट स्टिल आई हैव मेड इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ऑर्डर में रहे। तो जैसे इसके इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि सपोज क्या कहते हैं कि यहाँ पे ए जो है उसने बी का मर्डर किया, ठीक है, मतलब अक्यूज है कि ए जो है उसने बी का मर्डर किया है। तो अब ये चीज़ जो है ये किन इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा, ए अक्यूज है, ठीक है, कि उसने बी का मर्डर किया है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे क्या कि ए ने बी का डेथ कॉज किया, क्या इंटेंशन था, है ना, इंटेंशन था या नहीं डेथ कॉज करने का, कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि बी की तरफ से किसी तरीके का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, क्योंकि फिर क्या मर्डर में ना हो कि वो क्या हो सकता है, कल्पेबल होमोसाइड हो सकता है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, है ना। फिर मतलब ये सारी चीज़ें हैं, क्या वो अनसाउंड माइंड का था, है ना, उसे पता नहीं था अपना जो वो काम कर रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है, ये सब फैक्ट इन इशू हैं। तो ए ने मर्डर किया है या नहीं बी का मर्डर किया, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन हमारा CPC पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक्सप्लेनेशन कहाँ पे लगता है, CPC में लगता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक जो देखो इसमें दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, ये देख लो थोड़ा सा, एक फैक्ट इन इशू है, वैसे इतना कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा तो बहुत बवाल हो जाएगा, छोटा सा है, एक फैक्ट इन इशू है, और एक जो एंड में इधर एक चीज़ यूज़ किया गया है, इशू ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इन इशू और इशू ऑफ फैक्ट आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे। तो ये जो इशू ऑफ फैक्ट होता है ना, एकदम मेन मुद्दा होता है, ठीक है। मैंने बताया कि सिविल मैटर्स के लिए, तो सपोज कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, ये प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती है कि नहीं, ठीक है, ये इशू ऑफ फैक्ट होगा। तो प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा और बहुत सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी पोजेशन थी या नहीं, कितने समय से इसकी पोजेशन थी, रिकॉर्ड्स में नाम है या नहीं है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये सब क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिससे हमारा इशू ऑफ फैक्ट प्रूव होगा, इसे क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू की मदद से हमारा इशू इन फैक्ट प्रूव होता है, समझ आ गया। तो फैक्ट इन इशू ये है और इशू इन फैक्ट ये है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, है ना, आप दोबारा से देखोगे, देखने की जरूरत नहीं, आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड आई विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ऐसी और वीडियोज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।